हेलो दोस्तों, मैं हूँ के आर मिश्रा। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरजी नॉलेज में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके पॉलीटेक्निक की, ठीक है ना। बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज गोरखपुर का, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक गोरखपुर में जो है संस्था, ठीक है, बात इसके फीस की करते हैं इस वीडियो में। तो इसका फीस जो है 10,400 कुछ रुपए लगते हैं। तो यानी 10,400 कुछ रुपए, इसका मतलब 11,000 रुपए आपको लगते हैं। 11,000 में टोटली आपका हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा 11,000 में, ठीक है ना। और बात करते हैं इसमें ब्रांच की, तो संभवतः जितने भी ब्रांच में बताया था महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के लिए, उससे कुछ और नए इसमें हैं, कुछ अलग भी हैं इसमें। उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आपको इसका भी वीडियो मैं बना दिया हूँ कि दोनों में कौन बेहतर है। लेकिन पढ़ाई की अगर केवल बात करें तो थोड़ा इसकी अपेक्षा महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में थोड़ा बढ़िया होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे रैंक हैं और ले लीजिए महाराणा प्रताप, नहीं। अगर आपका अच्छा रैंक है, काउंसलिंग कराइए, तो फर्स्ट पे इसको डालिए, राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर। अगर गवर्नमेंट मिल जाएगा तो सही है, ठीक है ना। आपका फीस भी कम लगेगा, बेहतर पढ़ाई भी होगा और नामियर कॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन दोनों जगह से होता है, कैंपस सिलेक्शन दोनों कराता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय होता है और एडेड होता है, सहायता प्राप्त जैसा कि है, ठीक है। तो मैं कहूँगा अच्छे रैंक है तो आप राजकीय पॉलिटेक्निक ही लीजिए, ठीक है। अन्यथा अगर नहीं मिल पा रहा है राजकीय पॉलिटेक्निक, तो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक जिंदाबाद।